गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है आप लोग का मेरे नए ब्लॉग में। मैं हूं अमरजीत और आप देख रहे हैं एज ए ब्लॉग। दोस्तों, आज गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का जन्मदिन है। आप सभी को गुरु गोविंद सिंह महाराज जी की जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया था दोस्तों, नगर कीर्तन निकलेगा, पर नहीं दोस्तों, कोरोना के केस बढ़ने के कारण नगर कीर्तन कैंसिल हो चुका है। तो दोस्तों, रात को गुरुद्वारा में फंक्शन है, सिर्फ सिख समुदाय के लोग ही रहेंगे, और छोटा सा एक फंक्शन है और छोटा सा ही लंगर होगा। दोस्तों, ये चढ़ती कला टाइम टीवी पर लाइव टेलीकास्ट पटना साहिब से दिखाया जा रहा है। दोस्तों, ये आ गया मेरा नाश्ता। आज नाश्ता में बना है रोटी और टमाटर की चटनी, तो जल्दी से मैं उसको अब कंप्लीट कर लेता हूँ। दोस्तों, मैं आ गया हूँ गुरुद्वारा। गुरुद्वारा में फूलों के सजावट का भी काम चल रहा है। इस तरफ देखिए, बैलून सजाए हुए हैं एकदम ब्लू एंड रेड कलर में, और जैसे ऊपर भी देख सकते हैं, ऊपर भी कुछ बैलून्स लगाए हुए हैं। साथ में गुरुद्वारा में गुरु गोविंद सिंह जी का बर्थडे तो सेलिब्रेट किया ही जाएगा, साथ में एक नई चीज़, बच्चों के लिए क्विक कंपटीशन, जिसमें कि कुछ सवाल जवाब दें, जैसे कि सिखों के गुरुओं का नाम क्या था, उनका जन्म कब हुआ था, उनके बच्चों का नाम क्या था, उनके माता का नाम क्या था, यह सब क्वेश्चन कुछ रहेंगे, और जीतने वाले को इनाम भी दिया जाएगा। तो दोस्तों, आज का वीडियो पूरा देखें, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें मेरे चैनल को। दोस्तों, मैं जस्ट अभी आया हूँ गुरुद्वारा से घर पे रेडी होने के लिए। वहाँ पे सजावट का काम पूरा कंप्लीट हो चुका है, अब मैं रेडी होकर दोबारा जाऊँगा गुरुद्वारा। दोस्तों, आज का वीडियो पूरा देखें, क्योंकि उसमें बच्चों के सवाल जवाब जो हैं वो बच्चों से पूछे जाएंगे, बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए, और जो वहाँ पर शबद कीर्तन का भी प्रोग्राम है वो भी होगा। तो आप पूरा वीडियो देखें, आपको अच्छा लगेगा। और हो गया हूँ गुरुद्वारा जाने के लिए, मैं बस निकल रहा हूँ अब। Oh,
हमारा
गोविंद सिंह।
भाई बरदाना जी के परदादा जी कहाँ के रहने वाले थे? हमले के बाद बाबर ने गुरु नानक देव जी को कैद में कहाँ रखा था? राइट, गुरु अमरदास जी ने गुरु अंगद देव जी के कितने वर्षों तक सेवा की थी? राइट, मेरी पीने का संबंध किस गुरु से है? मेरी पीने का संबंध किस गुरु से है? चंपौर के युग में शहीद हुए साहिबजादों के क्या नाम थे? किस गुरु के शरीर पर जलती रेत के साथ गर्म थाली से विराजमान था? क्विक कंपटीशन में अश्नीत को रही सेकंड पोजीशन पे और भजन गायन में इन्होंने पहला स्थान प्राप्त किया। क्विक कंपटीशन में हर्षजोत ने तीसरा स्थान प्राप्त किया और क्विक कंपटीशन की विनर रही जसमीत कौर। सतनाम वाहे गुरु, सतनाम वाहे गुरु, सतनाम वाहे गुरु, सतनाम वाहे गुरु, सतनाम हो चुकी है। रात के करीब 12:30 हो चुके हैं। दोस्तों अगर आप लोग को ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए